हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो हियर वी आर। जैसे कि आपको पता है, मैंने आपसे कहा था ये वाला जो मंथ है ये फुल ऑफ ट्रिप्स रहने वाला है। एंड द प्रीवियस वीक वी विजिटेड अजमेर और इस वीक हम लोग जा रहे हैं देहरादून। उस टाइम पे हमने शताब्दी बुक की थी, इस टाइम पे हमने वंदे भारत बुक की है। उस टाइम भी हमारा बहुत मन था कि हम वंदे भारत के लिए ऑप्ट करें, बट द सीट्स वर फुल। और अब आकर अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान, हमें यहाँ इसमें सीट्स मिल गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि घूमने से ज़्यादा मुझे कुछ चीज़ खुश नहीं कर सकती। बस एक चाय और घूमना ही है मेरी लाइफ में, जो अटमोस्ट इम्पोर्टेंस रखते हैं। सो हेयर्स द इनसाइड व्यू ऑफ वंदे भारत ट्रेन, जो कि अंदर से बहुत नीट एंड क्लीन थी, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी, सर्विसेज A1 थी। द ओनली प्रॉब्लम देयर वॉज नेटवर्क प्रॉब्लम, बाकी इट इज़ मच बेटर देन शताब्दी। सो गाइज, हमारी जो ट्रेन है वो मेरठ पे रुक कर अब दोबारा चल रही है, और हमें चाय क्या, ये गरम गरम पानी दिया। अभी हम चाय बनाएंगे, और अगर इतना ही टाइम लगता रहा ना तो हम ठंडी चाय पीने वाले हैं। सो गाइज, यहाँ पर इनका टी देने का जो सिस्टम था वो डिफरेंट था शताब्दी से। इन्होंने हमें एक सिंगल पैकेट दिया था जिसको पानी में डिजोल्व करके चाय बन रही थी। चाय वॉज़ वेरी टेस्टी। जो शताब्दी में था उसमें अलग से टी बैग था, अलग से वो था शुगर, बट इनके ऐसा नहीं था। बट हाँ, इनकी चाय इज़ डिफरेंट। एंड गाइज, हेयर कम्स माई फेवरेट व्यू, ये ट्रेन से बाहर वाला व्यू। यहाँ पर बहुत ही वाइल्ड फॉरेस्ट नज़र आ रहे थे, ये डिम डिम सी लाइट, दूर दूर से बिल्डिंग्स नज़र आ रही थी, बहुत ही सरीन और पीसफुल व्यू था ये। एंड गाइज, वन मोर थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वंदे भारत बहुत अच्छी ट्रेन है, क्लीन है, कम्फर्टेबल है, सर्विसेज भी ओके एंड फाइन है, बट यहाँ पर नेटवर्कस नहीं है, जो कि हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा बहुत डिफिकल्ट है। मतलब हमारे लिए कोप अप करने सिचुएशन से, बट स्टिल चलो ठीक है। लेकिन हाँ, एक बार ज़रूर इसे ट्राई दें, आपको अगर कहीं जाना है तो ज़रूर ज़रूर इसे ट्रैवल करें। ये बहुत टाइम को सेव कर रही है। लाइक सहारनपुर जाने के लिए 7 से 8 घंटे लगते हैं बाय रोड, इसने हमें ठीक 2 घंटे में सहारनपुर पहुँचा दिया था। इसके जो टिकट्स हैं वो भी बहुत कन्वीनियंट हैं। इट वॉज 1500 ना, अराउंड 15, लाइक विद इन 15 होगा, कम में मिल सकता है ज़्यादा में। दिल्ली टू देहरादून का अराउंड 1500 पड़ा है फॉर अ पर्सन। सो या आप इसके लिए जा सकते हैं, इसे ज़रूर ज़रूर ट्राई करें। हमारा जो जर्नी था वो स्टार्ट हुआ था 5:50 पे, और ये जो ट्रेन ने टाइम दे रखा था कि ये हमें 12 तक पहुंचा देगी, लेकिन अब हमें ऐसा नज़र आ रहा है शायद हमें जल्दी पहुंचा देगी। बहुत जल्दी जल्दी स्टेशन आए, विद इन 2 आवर हम सहारनपुर पहुंच चुके थे। एंड बीच में रुड़की आया, हरिद्वार आया, आनंद विहार, देहरादून आया, और अब लास्ट में हमारा देहरादून आने वाला है, और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। फिलहाल के लिए हम जो होटल लेंगे वो सिर्फ एक वन नाइट वाला लेंगे, क्योंकि अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें किस तरह का होटल चाहिए। रात हम रात में 10:30-11 तक पहुंचेंगे, तो अभी हम सिर्फ थोड़े टाइम के लिए लेंगे, और फिर कल हम दोबारा से अपने होटल को सर्च करेंगे और फिर अच्छा सा लेंगे। सो गाइज, यहाँ पर ये वंदे भारत की जर्नी थी बिल्कुल एंड पर। 10 मिनट के बाद ही देहरादून आ गया था। अकॉर्डिंग टू द टिकट ये हमें 10:35 पे पहुँचाने वाली थी, लेकिन इसने हमें 9:50 पे पहुँचा दिया था। लाइक इट इज़ रिड्यूसिंग ट्रैवल टाइम टू एन एक्सटेंट, कि जहाँ आप अपना टाइम अच्छा सेव कर सकते हो। एंड गाइज, वहाँ से स्टेशन से उतरने के बाद विद इन 10 मिनट्स पर ही वहाँ पे होटल्स स्टार्ट हो गए थे आने। हमने ऑनलाइन बुकिंग नहीं की थी, हमने वहीं जाकर होटल ढूंढा था। बहुत ढूंढने के बाद हमें हमारा ये होटल मिला था, होटल अभिनंदन। काफ़ी अच्छा होटल मिल गया था। इससे पहले हमने काफ़ी ट्राई करे, लेकिन लास्ट में हमें ये समझ आ गया था, इसका इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा था, लोग यहाँ पर हमें सही लग रहे थे। और उसके बाद हमने जाकर यहाँ पर काफ़ी रूम्स देखे, और हमें ग्राउंड फ्लोर वाला रूम पसंद आया, हमने उसके लिए ऑप्ट किया, एंड वी सेटल डाउन देयर। गाइज, हम लोग आ गए अपने होटल। बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद हमें मिला हमारा होटल। यहाँ का किचन हो चुका है बंद, जो भी हम खाना लेकर आए थे वो खाना हो चुका है ठंडा। हमने इनसे कहा भैया प्लीज़ गर्म कर दो, उन्होंने गर्म ही नहीं करा। फिर हमने सोचा हम इसे ठंडा ही खा लेते हैं, और नम्रा गई है उनके पास। किस लिए गई है वो? न्यूज पेपर लेने। हाँ गाइज, आप जाएं अभी, हमें एक चीज, मतलब इतनी पैकिंग के बाद भी हमें भूल गए कि न्यूज पेपर लेना ही लेना है। सो गाइज, न्यूज पेपर टिश्यूज तो है, न्यूज पेपर लेकर चले, हम उसको यहाँ स्प्रेड करेंगे, और फिर हम इसमें सब कुछ वो मतलब उसके ऊपर बैठ कर खा। एंड हियर्स नम्रा, जो कि न्यूज़पेपर लेकर आई थी, और फिर उसने सारा स्प्रेड करके हमारा खाना स्प्रेड करा था। अच्छा गाइस, खाना खाने के बाद हमें हुई चाय की तलब, लेकिन चाय यहाँ का किचन बंद हो गया था। फिर हमने जोमैटो से ऑर्डर किए चाय, एंड दिस वाज लिट, लाइक बहुत टेस्टी और अच्छी चाय थी।
उसके बाद मैंने सोचा आपको थोड़ा सा होटल दिखा देती हूँ। तो ये थी जीप जिसने मुझे पिक्चर लेनी थी, बट नम्रा सेट कल रेडी होकर लेना। फिर ये जगह थी जहाँ पे बैठ के, मतलब ये टी प्लेस था, आप यहाँ बैठ के चाय पी सकते हैं, एज सच नहीं था, बट हाँ ये ऊपर के साइड इनके रूम से थोड़ा सा ओपन कोर्ट यार्ड था, और यहाँ पे जाके इस कॉरिडोर में था हमारा रूम, ये पहला वाला ही। ये मैंने इसलिए लिया था क्योंकि ताकि ज़्यादा चलना ना पड़े, क्योंकि हम ऑलरेडी टायर्ड हो चुके थे। खैर बहरहाल ये वेकेंट भी था, हमें मिल गया था, रूम काफ़ी अच्छा था, इसके कॉर्नर्स और स्पॉट्स काफ़ी अच्छे थे। उसके बाद ही नम्रा ने सारा फैलाना भी शुरू कर दिया था, और उसके बाद क्योंकि हमें सिर्फ वन नाइट के लिए चाहिए था, तो मैंने ज़्यादा मैं डिटेल में ना जाकर इसको डन कर दिया था। वैसे तो यहाँ की सर्विसेज काफ़ी अच्छी थी, बट देन क्योंकि हमें ये सिर्फ एक रात के लिए चाहिए था, उन्होंने हमें एज सच कोई कंसेशन नहीं दिया। नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट बी विजिटिंग दिस प्लेस ऑब्वियसली। सो गाइज, जैसा हमने सोचा था यहाँ पे ठंड उससे ज़्यादा है, हम वो कपड़े भी लेकर नहीं आए, बट अब हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं, वरना इस टाइम लेट भी हो गया है, 12:01 बज रहे हैं, वरना हम जाके मार्केट करके आते और थोड़े से वुलन क्लोथ्स लेकर आते, बट अब टाइम नहीं है। हम देख रहे हैं अपना सूटकेस खोल के अगर उसमें कुछ मिल जाता है, लेकिन मुश्किल हमने रखा ही नहीं है, तो जैसे जैसे करके हम थोड़े से कपड़ों को ही पाइल अप करके पहन लेंगे। बाकी अब हम आराम करेंगे, थोड़ी बहुत अम्मी से बातचीत करके वी विल गो टू स्लीप, और फिर सुबह उठकर देखते हैं हमें क्या करना है। हमारा प्लान है यहीं पर जगह घूमने का, FRI एंड ऑल, काफ़ी सारी जगह है, अब देखते हैं हमें कौन सा पैकेज हम लेते हैं। और मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में। मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना ख्याल रखें। बाय।